Mr. Sri Krishna. Now, Janab Danish Ali. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। आज जब मैं यहाँ पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने खड़ा हुआ हूँ, उस वक्त दिल्ली की तीनों सीमाओं पर हजारों किसान पिछले ढाई महीने से ज़्यादा वक्त से इस ठिठरती हुई सर्दी में, बारिश में इस सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको ये सरकार सुने। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि सरकार अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वो सरकार की नीतियां और सरकार के कार्य माननीय राष्ट्रपति जी दोनों सदनों के सामने रखते हैं। अब सरकार भले ही भी सरकार हो या भाषण जी भी सरकार हो, माननीय राष्ट्रपति जी को सरकार के लिखे हुए भाषण को वहां पढ़ना है। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, आज जब एक तरफ चीन हमारी सीमाएं लांघ करके धरती पर अपने गांव बसा रहा है, कब्जा कर चुका है काफी सारी जमीनें, लेकिन सरकार को जो तत्परता वहां दिखानी चाहिए थी हमारे जवानों को, हमारी आर्म फोर्सेस को ग्रीन लाइट दे करके कि जाओ मुकाबला करो, लेकिन पता नहीं किस दबाव में ये सरकार जो है चीन के खिलाफ जो है अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर रही। वो कटीले तार, वो बाढ़, वो कंक्रीट की दीवारें इन किसानों के सामने जो दिल्ली में अपनी गुहार लगाने आए हैं उनके सामने खड़ी की जा रही हैं। माननीय सभापति महोदय, देश का किसान अन्नदाता के साथ ये सलूक करना ये कहीं से भी जायज नहीं है। मैं यही कहूंगा कि कई अंतर्राष्ट्रीय आवाजें भी इस किसान आंदोलन के बीच में उठी हैं। मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की नीति साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में, यह हमारा अंदरूनी मामला है। और भारत की यह परंपरा रही है कि हम कभी भी किसी दूसरे देश के लोकतंत्र में भी इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन यह परंपराएं तोड़ी किसने? हम आज जिनको यह सीख दे रहे हैं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हो, यूनाइटेड नेशंस हो, वो लोग हमारे यहां जो आंदोलन चल रहा है उस पर बोल रहे हैं, लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के दूसरे देश के लोगों को ये कह रहे थे कि आपको कौन सी सरकार चुननी है, अब की बार ट्रंप सरकार ये मौका हमारी विदेश नीति जो बदली गई उन्होंने दिया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा माननीय सभापति महोदय कि सरकार तो आती है जाती है, ये इतिहास है इस दुनिया का कि जब जब जो सरकारें किसानों से टकराई हैं उन सरकारों का हश्र अच्छा नहीं हुआ है। अभी एक बीजेपी के सांसद यहां कह रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर कोई ये साबित कर दे कि गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी के दिन भाजपा का कोई कार्यकर्ता वहां पर लाल किले पर मौजूद था। मैं कहना चाहता हूं कि शायद जिस व्यक्ति को, जिस उपद्रवी को आज हमारी पुलिस ने अरेस्ट किया है वो भारत
जी के साथ उसकी फोटो थी, किसने जी के साथ उसकी फोटो थी। और मैं ये कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, जी के साथ फोटो तो उनके फोटो फ्रेम में तो कोई मंत्री और सांसद भी नहीं आ सकता। वो व्यक्ति, वो उपद्रवी कैसे जी के साथ फोटो में मौजूद था? आखिर किसने उन उपद्रवियों को इजाजत दी कि लाल किले पर चढ़ करके देश के साथ ऐसा करें? माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि ये देश को कहां लेके जा रहे हैं, ये देश को कहां लेके जा रहे हैं। कुछ सरकारी पार्टी की कुछ जमातें, सरकारी पार्टी की जमातें चंदा इकट्ठा करने के लिए निकली मध्य प्रदेश के अंदर। वहां पर क्या हुआ, किसी से छुपा है क्या? हुआ पथराव हुआ। और अगले दिन जाकर के वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन गरीबों का, पहले उन्हें पत्थरों से मारा, पहले उनको पिटाई की, जेल भेजा, और बिना नोटिस दिए अगले दिन मध्य प्रदेश के अंदर उन गरीबों के, मजलूमों के घर को बिल्डोजर से तोड़ दिया गया। क्या ऐसा मुल्क हम देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में किसी से नहीं छुपा हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जब मन आता है तब जो है सरकारी बुलडोजर किसी के भी मकान पर चल जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हाथरस के अंदर क्या हुआ, हाथरस के अंदर, सभापति महोदय मैं बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, सभापति महोदय हाथरस के अंदर क्या हुआ, एक दलित महिला के साथ, एक बच्ची के साथ जो घटना घटी, जो बलात्कार की घटना घटी। और ये कहते हैं, मुझे अफसोस इस बात का है, ये जिन महापुरुषों का नाम लेते हैं, चौधरी चरण सिंह जी का नाम इन्होंने कई बार लिया, लेकिन जब चौधरी चरण सिंह के पोते हाथरस के अंदर उस दलित महिला को न्याय दिलाने गए, तो जैन चौधरी, तो उनको लाठी और डंडों से पीटा गया। अगर उनके साथी ना होते तो चौधरी चरण सिंह के पोता वहां से जिंदा नहीं लौटता। सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। अभी बजट आया, बजट के ऊपर एजुकेशन बजट में 6% की कमी की है बजट। ये सरकार मेरे ख्याल से चाहती है, इनका नारा है कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया, इसलिए सारे विश्वविद्यालय, सारी एजुकेशन सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दो। मेरे यहाँ एक यूनिवर्सिटी, मेरे पड़ोस के जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, उसको भी रोज तोड़ने के लिए बुलडोजर तैयार रहता है, लेकिन ये सरकार क्योंकि शिक्षा खत्म करना चाहती है। मैं सभापति महोदय, ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा, ये सरकार क्योंकि इनकी, बस एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, ये सरकार जो है इन्होंने अपना जो है एजेंडा, इनका साफ है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान को नहीं मानना, उनके जो दिया हुआ आरक्षण है वो कैसे खत्म हो, सारे प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले कर देना, जो PSUs पिछले 70 साल में बने उनको प्रायोरिटाइज करके, जिससे कि SC ST के बच्चों को जो नौकरियां मिल रही थी उनको खत्म कर दिया जाए। मैं यही कहूंगा आखिर में कि बंदरगाह बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, रेल बेच दो, और जो सवाल पूछे उसे जेल भेज दो। मैं तैयार हूं इस बात के लिए कि आपसे सवाल पूछता रहूंगा, और जो और जिन आंदोलनकारी किसानों को कहा कि वो आंदोलनजीवी है, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिस लोकतंत्र की सड़कें सूनी होती है उसकी संसद जो है, आप जानते हैं। तो इसलिए ये आप उन महापुरुषों की तो बात कम से कम बात मानो। और सभापति महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूं एक सेंटेंस में, आज
जो देश में हो रहा है। गरीब को, मजलूम को, क्लियत को न्याय नहीं मिल रहा, और वो न्याय जो है जुडिशियरी में भी क्राइसिस आ गया है। मैं इन्हीं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि मुझे स्वर्गीय अरुण जेटली जी का एक बयान याद आ रहा है, संसद के अंदर दिया हुआ। उन्होंने कहा था, एक मिनट का भी खत्म नहीं हो रहा है। कंक्लूडिंग, आपका एक मिनट अरुण जेटली जी ने संसद के अंदर कहा था कि आज के जो जजेस है, जो जुडिशियरी है, वो इस बात को तय कर देखती है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। उन बेनिफिट्स पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। यही आज क्राइसिस सरकार में है, यही जुडिशियरी में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।